क्या सोचा है? कहाँ यार, घर वाले मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतने रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते। देखो, ज्यादा टाइम नहीं बचा है अपने पास। एडवांस लेने के लिए फोन पे फोन कर रहा है वो। मना कर दो भाई। हमसे नहीं हो पाएगा। सोच लो, 4 साल से लगे हो नौकरी के लिए, अभी तक नहीं हुआ ना। इस बार अच्छा मौका हाथ लगा था यार, इसे भी ऐसे कैसे जाने दे सकते हो तुम? हमारे पिताजी के पास संपत्ति के नाम पे सिर्फ 4 धुर जमीन है। इन नौकरी के चक्कर में हम वो घर भी बेच दे क्या? देखो, जब सरकारी नौकरी हो जाएगा ना, 4 धुर छोड़ो, 4 बीघा जमीन खरीद लेना। अगर पकड़ा गए तब? तब तो हम और हमारा परिवार दोनों रोड पे आ जाएंगे ना। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। देखो, भगवान तो ऊपर से आएंगे नहीं मदद करने। अब कोई इंसान मदद कर रहा है तो फिर इतना क्या सोचना यार? कोई ऐसे ही मदद काहे नहीं करता? मतलब बिना रुपयों के, जिसको मदद के बदले कुछ नहीं चाहिए। देखो, ये कलयुग है मेरे दोस्त, यहाँ सबको कुछ ना कुछ चाहिए। देखो, आज सर जी उसको कोचिंग पर बुलाए हैं, चलना तुम भी। हेलो, कब तक भेजोगे डिटेल? इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस किसी को भी डुबा सकता है। हम गारंटी दे रहे हैं ना आपको, आपका कोचिंग पूरे स्टेट में नंबर 1 बन के रहेगा। ठीक है, अभी तक मैंने 48 स्टूडेंट को कन्विंस कर लिया, काम तक और हो जाएंगे। ठीक है, काम हो जाने पर डिटेल हमको भेज देना। देखो, इस बार कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होना चाहिए, वरना बात मेरी इज्जत पे आ जाएगी। मैं कम इन सर। कम इन, अंदर आ जाओ। क्या बात है सर? ये मेरा दोस्त है, इसको भी सेटिंग करवाना है, मगर मगर क्या, इनके घर वाले इतना रुपया का इंतजाम नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, इसका भी उपाय है मेरे पास, ले लो। इसमें साइन कर दो और अपना डिटेल दे दो, काम हो जाए। इसमें क्या लिखा है सर? एग्रीमेंट है ये। इसमें लिखा है कि अगले 6 महीने की सैलरी तुम मुझे दोगे और लोगों को यही बताओगे कि तुमने मेरे कोचिंग से पढ़ाई करी। पर सर, इसने तो बताया था कि 50,000 ही रुपये लगेंगे। ये तो हाँ ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारा सारा काम मेरे रिस्क पे होगा। और फिर तुम अभी एडवांस भी तो नहीं दे रहे हो, अगर तुम एडवांस दे दो तो ज्यादा रुपये नहीं लगेंगे। अरे ज्यादा सोचो मत, सिर्फ 6 महीने की तो सैलरी मांग रहा हूं, बाकी जिंदगी भर तो तुम ही कमाओगे ना। डॉक्यूमेंट्स वहीं पे रख दो और अब तुम जा सकते हो। एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा।
हाँ काम हो गया। हेलो, हाँ पेपर मिल गए हैं, 5 मिनट में रुपया ट्रांसफ़र हो जाएगा। यार कमाल हो गया, इस बार तो नौकरी पक्की समझो। सब आंसर मार्क कर दिए, 100 में 100 बना के आए हैं। क्या हुआ, उदास का है वे? यार हम गलत कर रहे हैं। क्या क्या बोल रहा है तू? हमारे जैसे ना जाने कितने लाखों करोड़ों विद्यार्थी ये नौकरी की आस लगाए बैठे होंगे। तू कहना क्या चाहता है? मैं उन सभी स्टूडेंटों की मेहनत को डूबते हुए नहीं देख सकता। अरे तुमने क्या दुनिया का ठेका ले रखा है? पता नहीं हमारे जैसे कितने करोड़ों स्टूडेंट होंगे जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से खुद को इस नौकरी के काबिल बनाया होगा, और हम जैसे लोग क्या करते हैं, पैसों की ताकत दिखा कर उनसे उनका हक छीन लेते हैं। लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देखो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और हमने अपने बारे में सोचा तो क्या गलत किया? गलती बहुत बड़ी गलती किया हमने, तुमने, उस टीचर ने। मैं नहीं जानता कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास कब होगा, पर मुझे मेरी गलती का पता चल गया है, इसीलिए मैं अब ये सब रोक रहा हूं। पेपर लीक मामले में माफिया खुलकर अपना काम कर रहा है। परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायत सामने आई है। इस मामले में सॉल्वर गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU को ये जांच सौंपी गई है। परीक्षा में अनियमितताओं के मामले में अब तक 125 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दी गई है, जिसके बाद सभी मामलों को एक साथ क्लब करके वो जांच में जुट गई है। ये जो शिकंजे में पूरा सॉल्वर गैंग है वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। हो सकता है अभी और भी नाम इसमें सामने आए, हो सकता है कोई इनका मास्टरमाइंड भी हो।